नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको किसी प्रकार की भी एडिक्शन है तो आप उसको किसी प्रकार से छुड़ा सकते हैं। लोगों को बहुत सारी तरह की एडिक्शंस होती हैं, गुटखे की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, यहाँ तक कि ड्रग्स की भी। तो इस वीडियो में मैं इन चारों चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि किस तरीके से एक सिंपल सॉल्यूशन के माध्यम से आप इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को गुटखे की शिकायत है तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे कि आप जब भी उनको तलब हो तो आप उनके मुंह में एक आंवले की गुठली रखेंगे, मतलब आंवले का एक फाड़ी रखेंगे, जिससे कि उनको वो तलब धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि किसी को भी स्मोकिंग की तलब होती है बहुत ज़्यादा, कि स्मोकिंग करनी बार बार, तो उनके मुंह में अगर आप हरड़ रखेंगे तो उनको स्मोकिंग की धीरे धीरे आदत खत्म हो जाएगी। यदि किसी को भी ड्रिंकिंग की आदत होती है तो उसको आप जितना भी फ्रूट जूस देंगे उससे उसकी ड्रिंकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। जितना भी आप, अगर किसी को ड्रिंकिंग की वैसे भी आदत है तो उसको आप जीरे का पानी उबाल कर देंगे, उससे भी उसकी ड्रिंकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। लास्ट आता हूँ, किसी को भी यदि ड्रग्स की आदत है तो करते क्या है, सिंपल, ड्रग्स की आदत में हम एक तो पहले तो 40 दिन तक रॉ डाइट पे चले जाते हैं, और फिर रॉ डाइट पे जाने के साथ साथ उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल जूस देते हैं, और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए उतना ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करते हैं उनकी बॉडी को। ठीक है, असल में होता क्या है कि एडिक्शंस क्यों है कि बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाना, और ये सारे जो आंवला हरड़ या फ्रूट जूस या रॉ डाइट बताया या फिर वेजिटेबल जूस बताया, इन सब में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा पूर्ति हो जाती है बॉडी के अंदर, इसलिए वजह से ये फ़ायदा करते हैं। तो जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हैं वो अगर शरीर में कम होंगे तो आदमी की तलब कभी भी नहीं जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें, और अगर किसी को इस वीडियो की जरूरत हो तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपके घर में कोई एडिक्ट हो तो उसको प्लीज़ इस तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।